ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपको एक दफा फिर से नए सेशन में। सेशन नंबर 10 है हमारा, हाउ टू बिल्ड योर ऑन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर लोकल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है SEO। सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट SEO आपके लिए टॉपिक इसलिए है क्योंकि ज्यादा जो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे इंटरनेशनली वो भी SEO के मिलेंगे। आप उनको जो अप्रोच करोगे वो भी SEO की बेस के ऊपर करोगे और आपकी अपनी SEO स्ट्रांग होना यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गोरे जो हैं खास तौर पे वो इस चीज में बहुत ज्यादा चूजी होते हैं कि वो किस बंदे के साथ या किस एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो आपको स्टडी करेंगे, आपको आपकी प्रोफाइल देखेंगे कि कुछ कीवर्ड्स पे आपको सर्च करेंगे, आप कहाँ पे रैंक कर रहे हो, आप किसी की SEO करने जा रहे हो तो आपकी अपनी SEO कितनी स्ट्रांग है या कितनी वेल मैनेज है, वेल ऑर्गेनाइज है कि आप वो सर्विस दूसरे को दे सकते हो। ठीक है, तो SEO को हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 5 टॉपिक्स होंगे जिनको आज हम स्टडी करेंगे, जिनको देखेंगे, और ये बिल्कुल बेसिक लेवल की जो चीजें होंगी SEO में जो कि आपकी नॉलेज में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज कि SEO के फंडामेंटल्स क्या हैं, सेटिंग अप SEO, आप अच्छी सक्सेसफुल SEO किस तरीके कार से सेटअप कर सकते हो, SEO किस तरीके कार से होती है, उसकी वर्किंग क्या होती है, बैकएंड पे क्या चीज़ें चल रही होती हैं, अच्छी या बुरी SEO को ट्रैक कैसे करते हैं और कौन से टूल्स हैं जिनसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट SEO कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि SEO इम्पॉर्टेंट क्यों है। SEO आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक देती है। ठीक है, SEO से आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक मिलती है, लोग आप सर्च करते हैं, आप रैंक कर रहे हो, आप नज़र आ रहे हो, आपके कीवर्ड्स रैंक कर रहे हो, क्लिक करते हैं उस लिंक के ऊपर, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड करते हैं और आपको कंसिस्टेंट ट्रैफिक मिलती है। मैं फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैंने ऐड रोके तो ट्रैफिक बंद हो गया आना। ठीक है, लोगों ने विजिट करना छोड़ दिया। मैं फेसबुक के ऊपर पेज के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्टिंग करता हूँ, उसकी रीच नहीं जाती जब तक मैं उसके ऊपर पैसा नहीं लगाता। बट SEO ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक जैसी ट्रैफिक ऑलमोस्ट पूरे मंथ में डेली बेस के ऊपर एक जैसी ट्रैफिक मिल रही है, वो इंक्रीज हो रही है, उसमें जो डिक्रीज वाला पार्ट है वो बहुत कम होता है। इसके पीछे का एल्गोरिदम मैकेनिज्म क्या है, गूगल के एल्गोरिदम इस तरीके कार से चल रहे हैं कि लोग कितना सर्च करते हैं किस कीवर्ड को, उसकी कीवर्ड की जो सर्च की टर्म्स होती हैं, ठीक है, ये नंबर ऑफ सर्चेज होती हैं, वो कितना सर्चेज होती हैं। ठीक है, वो एक पैटर्न को वो स्टडी करता है। लेट्स सपोज कि ये ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान एक कीवर्ड है, मंथली 10 लाख लोग इसको सर्च करते हैं। ठीक है, अब उस हिसाब से किस वेबसाइट को मुझे पहले दिखाना है, किस वेबसाइट को बाद में दिखाना है, उन 10 लाख लोगों को क्या नजर आना चाहिए। ठीक है, कौन सी वेबसाइट नजर आनी चाहिए आपका। लेट्स सपोज कि मैं एग्जांपल देता हूँ, दराज की SEO में कहता हूँ बहुत ज्यादा अच्छी है। आप जब भी सर्च करोगे ऑनलाइन शॉपिंग, वो दराज ही आपको टॉप के ऊपर नजर आएगा, तो एक कंसिस्टेंसी आपको वहां पे उसके ऊपर नजर आएगी। ठीक है, मैं फेसबुक के यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि अगर फेसबुक को हम बात करते हैं और मैं किसी प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ आईफोन को, तो जौन सा पेड एड होगा वो मुझे सबसे पहले नजर आ रहा है, वो मेरी फीड के अंदर मुझे नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, जिस टाइम उन्होंने, जिस भी कंपनी ने वो एड चला रहे थे, उन्होंने एड को रोक दिया, अपनी कंप्लेंट्स को स्टॉप कर दिया, वो पेड एड मुझे स्पॉन्सर एड नजर आना बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल और उसका, फेसबुक का या दूसरे प्लेटफॉर्म्स का थोड़ा सा फर्क है। उसके बाद जितनी भी ट्रैफिक हमें मिल रही है SEO के थ्रू, वो सारी की सारी ऑर्गेनिक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर हमारा कोई भी पैसा चार्ज नहीं हो रहा, मेहनत लग रही है बट पैसे नहीं लग रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको एक दफा इस SEO को सेट करना है अपनी वेबसाइट के लिए या अपने क्लाइंट के लिए, किसी भी उसके वेबसाइट को, और उसके बाद उसकी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है कि आपकी वेबसाइट को किस तरीके कार से आप गूगल के ऊपर रैंक करते हो, किस तरीके कार से आप गूगल पे सबमिट करते हो। ठीक है, आप सबमिट करोगे तो वो रैंक होगी, तो उसके लिए साइड मैप एक होता है वेबसाइट का, उसको आपको अपलोड करना पड़ता है गूगल के ऊपर। ठीक है, गूगल का वेब मास्टर टूल है, आपने अपनी वेबसाइट का एक साइड मैप बनाया और वहां पे जाके उसको आप पेस्ट कर देते हो, प्लेस कर देते हो। ये आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ता, ये थ्रू टूल्स ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं साइड मैप कैसे बनाऊँ, कैसे क्रिएट करूँ, जस्ट
आपने कुछ टूल्स इंस्टॉल करने और उसके थ्रू आपके साइड मैप भी बन जाएंगे और वो सारे काम हो जाएंगे। अच्छा, सेटिंग अप के लिए कुछ चीजें हो जो कि आपके एंड के ऊपर होंगी, उनको आपने अच्छे तरीके का से डिजाइन करना है, तो उसमें सबसे पहली चीज आ जाती है डोमेन। ठीक है, डोमेन जो आपने बाय करनी है उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के उस डोमेन को सोचना है कि मुझे क्या नाम बाय करना है। सबसे पहली चीज, डोमेन नेम आपके बिजनेस नेम के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ठीक है, मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ, मैं चीजें बेच रहा हूँ, और मैंने डोमेन किसी शॉप के नाम से, किसी पंसारी के नाम से, या एक्स वाई जी नाम से डोमेन ली, अपने नाम से डोमेन ले ली और मैं उस पर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। आप रेलिवेंट टू योर वेबसाइट उस डोमेन को बाय करोगे। देन आपका एक आ जाता है TLD, टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, जो कि आपके .com, .pk, .uk, .us, आप किस कंट्री में कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं एक कंपनी बनाई है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में, मुझे इंटरनेशनल नहीं जाना उस कंपनी को लेकर, मुझे सिर्फ पाकिस्तान में ही करना है, तो मेरे लिए बेस्ट सुटेबल कौन सा डोमेन है? .pk के डोमेन या .com .pk के डोमेन। मैं कहता हूँ मेरी डोमेन, जो मेरी वेबसाइट है, वो इंटरनेशनल भी है, वो लोकल भी है, वो पाकिस्तान में भी ओपन हो, इंफॉर्मेशन वेबसाइट है, तो मुझे .com के ऊपर जाना चाहिए जो कि इजीली एक्सेसिबल है हर जगह से। ठीक है, एक्सेसिबल खैर वर्ड इसके लिए ठीक सुटेबल वर्ड नहीं होगा, .pk भी पूरी दुनिया में इंटरनेट के ऊपर एक्सेसिबल है, बट रेलिवेंट आप उसको कह सकते हो कि यार ये ग्लोबल वेबसाइट है, तो आप इसको कहीं से भी किसी भी मुल्क से इसको खोल सकते हो। बट .pk के तो मुझे यूके, कनाडा, आउट ऑफ पाकिस्तान मैंने बिजनेस ही नहीं करना, मुझे वहाँ की ट्रैफिक ही नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ पाकिस्तान की ट्रैफिक, तो मेरे लिए रेलिवेंट .pk की ही डोमेन होगी। ठीक है, तो डोमेन का नाम मेरे बिजनेस से रेलिवेंट हो, फिर मैं किस कंट्री में जा रहा हूँ, मेरी कैटेगरी क्या है, अब उसके हिसाब से, लेट्स सपोज मेरी शॉपिंग कैटेगरी है, तो नॉर्मली इंटरनेशनल अगर मैं उसमें जाऊँ तो .com ही चलता है। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिकली यूके की बात करूँ तो .co.uk, अगर मैं स्पेसिफिकली अमेरिका की बात करूँ तो .co.us या .usa। ठीक है, तो इस तरीके कार से मैं उसको डोमेन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आपका जो वेबसाइट का प्लेटफॉर्म है वो भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि प्री बिल्ड आपको मिलते हैं, जिसमें आपका विक्स हो गया, आप वेबसाइट उस पर विक्स के ऊपर जाओ, अपना अकाउंट क्रिएट करो, बटन्स आगे पीछे करो और आपकी वेबसाइट रेडीमेड तैयार। शॉपिफाई है, रेडीमेड वेबसाइट तैयार है, जस्ट लॉग इन करो, उनको पैसे दो और अपनी प्रोडक्ट अपलोड करके मार्केटिंग शुरू कर दो। ठीक है, इस तरह बहुत सारी कंपनीज हैं, वेबली के नाम से कुछ आजकल ऐड मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि आपको ये बिल्ट इन तमाम फीचर्स देते हैं। कुछ हैं जिनको आपको डेवलप करना पड़ता है, जैसे वर्डप्रेस हो गया, वूकॉमर्स हो गया, ड्रूपल हो गया, जोमला हो गया, मजेंटो हो गया। ठीक है, तो ये प्री बिल्ड नहीं होते हैं। ठीक है, इनको आपको सर्वर्स लेके फिर उस पर इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर आप कोडिंग के थ्रू या प्लगइन्स के थ्रू उसको पूरे पेज बिल्ड करते हो, उसमें प्रोडक्ट पेज कैसा हो, आपका चेकआउट पेज कैसा हो, तो उन तमाम ऑप्शंस को एक्टिव करके आपको वेबसाइट बनानी पड़ती है। अब कुछ जो आपकी, इनको CMS सिस्टम कहते हैं, बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं सारे, आपको इनको थोड़ा सा स्मार्टली सिलेक्ट करना पड़ता है। कुछ सिस्टम जो CMS सिस्टम है वो गूगल के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वर्डप्रेस है वो गूगल का बेस्ट फ्रेंड, शॉपिफाई है वो गूगल का बेस्ट फ्रेंड, मजेंटो आपका हो गया, आपका ड्रूपल हो गया, जुमला हो गया, ये इनकी गूगल के साथ इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर गूगल थोड़ा सा आपको तंग करता है। वर्डप्रेस के ऊपर जा रहे हो, आपकी SEO बहुत इजीली होती है। ठीक है, शॉपिफाई के ऊपर जा रहे हो, आपकी SEO बहुत इजीली होती है, आपका जो पेज इंडेक्स आप वहां पे करा रहे हो, साइट मैप सबमिट करा रहे हो, तो बहुत जल्दी उनके अप्रूवल्स होते हैं और बहुत जल्दी वो रैंक करना शुरू होता है। ठीक है, अगर आप शॉपिंग की वेबसाइट बना रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, वूकॉमर्स में जाओ या आप शॉपिफाई के ऊपर जाओ। ठीक है, यहाँ पे बजटिंग थोड़ी सी आ जाती है कि शॉपिफाई को $29 पर मंथ पे करना है, वूकॉमर्स काइंड ऑफ फ्री टूल है, आपको बस सर्वर अच्छा बाय करना है और उसके बाद कुछ वूकॉमर्स को पे नहीं करना आपको। अच्छा, आपकी वेब होस्टिंग यहाँ पे एक सेकेंडरी आपके पास आ जाती है चीज, कि आपकी होस्टिंग कितनी अच्छी है। अगर आप प्री बिल्ड वाले, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि कुछ प्री बिल्ड वेबसाइट्स के टूल्स जो CMS सिस्टम मिलते हैं, उसके अंदर सर्वर्स की आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, शॉपिफाई पे आपको सर्वर लेने की टेंशन नहीं है, विक्स या किसी भी उसके ऊपर हो
वो बेसिकली आपको अपने सर्वर्स दे रहे हैं, ठीक है, कि आप मेरे सर्वर के ऊपर होस्ट करो, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारी टेम्पलेट्स बनाई हुई, आप सिलेक्ट करो, वेबसाइट आपकी रेडी। आप वर्डप्रेस के ऊपर जाते हो या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हो जो कि प्री बिल्ड नहीं है, आपको सर्वर लेना पड़ता है, फिर उस सर्वर के ऊपर आपको वर्डप्रेस को होस्ट करना पड़ता है, और उस वेब वर्डप्रेस के अंदर फिर वेब डेवलपमेंट का पार्ट शुरू होता है, ठीक है। आप जो सर्वर खरीद रहे हो वहां पे आपको देखना पड़ेगा आप कौन सा बजट प्लान उनका सिलेक्ट कर रहे हो, वो कितनी मंथली ट्रैफिक को बर्दाश्त कर सकता है, उसका लोड टाइम क्या है, ठीक है, उसका अप टाइम कितना है, वो कितना देर अप रहेगा, कितना देर डाउन रहेगा, वो एट ए टाइम कितनी ट्रैफिक बर्दाश्त कर सकता है। एक से दो दिन पहले मुझे एक कस्टमर मिला इधर लोकल मार्केट में, उसने बोला कि आप मेरी वेबसाइट को थोड़ा सा चेक करो कि वेबसाइट कैसी, ई कॉमर्स की वेबसाइट थी। मैंने उसके चार पांच पेजेस खोले प्रोडक्ट्स के, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, देखूँ किस तरह का डिस्प्ले होता है, और वेबसाइट पे सर्वर एरर आना शुरू हो गया, ठीक है, चार पांच पेजेस खोले मैंने, तो उसका जो सर्वर की कैपेसिटी थी वो एट ए टाइम 3 से 4 बंदों की कैपेसिटी थी, पांचवा बंदा आएगा तो सारी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके वो उनको रिमूव किया दोबारा, जो टैब्स थे उनको बंद किया, रिफ्रेश किया, दोबारा खोली, फिर चार पांच टैब्स खोले, फिर वो बंद हो जाए। तो आपको यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट करना है कि सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम कितना है, अप टाइम कितना है, कितनी ट्रैफिक वो बर्दाश्त कर सकता है, बैंडविड्थ कितनी है उसकी, एट ए टाइम कितनी ट्रैफिक बर्दाश्त कर सकता है। जिससे आप सर्वर बाय कर रहे होते हो ये तमाम की तमाम डिटेल्स वहाँ पे मेंशन होती हैं, मेंशन नहीं है कोई वहाँ पे डिटेल, आपको इस तरह की डिटेल नहीं मिल रही, तो सर्वर बाय करने से पहले उनकी सपोर्ट के ऊपर जाके आप उनसे चैट करो और पूछो कि इस सर्वर के ऊपर मैंने वो कॉमर्स डालना है, मेरी 4-5 हज़ार प्रोडक्ट्स होंगी, मैंने इसको फेसबुक और गूगल के ऊपर मार्केट करना है, एट ए टाइम यूजर मेरे पास 150-200 भी आ सकते हैं, तो क्या ये वाला प्लान इस इतनी ट्रैफिक को, लाइव ट्रैफिक को बर्दाश्त कर सकता है, मंथली इतनी ट्रैफिक को बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। वो आपको सारे जवाब देंगे, आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन आता है रेलिवेंट टू सर्वर आप उनसे पूछो, बाय करने से पहले पूछने ये चीज। अच्छा, उसके बाद आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है, कि आपका यूजर आपकी वेबसाइट पे ऊपर जा रहा है तो उसको आपके जो बैनर्स हैं वो ऑप्टिमाइज हैं, आपके जो पेजेस हैं वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं वो रेंडमली पड़ी हुई हैं या एक अच्छे तरीके कार से ऑर्गेनाइज करके आपने वेबसाइट को लेआउट को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ मैटर करती है। फिर आपकी जो लॉजिकल साइट का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यार कस्टमर या क्लाइंट आपकी वेबसाइट पर जा रहा है उसने बाय करना है तो वो 6 दिन ढूंढता रहे यार वो बाय नाउ का बटन कहाँ पर होता है, ठीक है। जिस तरह आप कोई नेट से मूवी या कोई सॉन्ग वगैरह डाउनलोड करते हो, देखो उनका जो स्ट्रक्चर है वो यही है कि आप उनके 10-15 पेजेस को विजिट करो ताकि हर पेज खोलने पे उनके एड से पैसे बने, ठीक है, हर पेज के ऊपर एड चल रहा है और उसके पैसे आ रहे हैं। आपको डाउनलोड का बटन कहाँ मिलेगा, वो 10वें 11वें पेज के ऊपर जाके, ठीक है। तो ये बेसिकली उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, आप उससे अनॉय हो जाते हो, आप उससे तंग हो जाते हो, बट वो लोग पैसे कमा रहे हैं स्ट्रक्चर से। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, लोगों को लेके आ रहे हो कि यार आप मेरी वेबसाइट से आके कुछ खरीदो या मेरी वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन है आपको फ्री में मिलेगी ब्ला ब्ला, तो उस स्ट्रक्चर को आप किस तरीके कार से रखते हो कि यार वो लॉजिकल स्ट्रक्चर लगे। अब मैं अगर किसी सॉन्ग या इस तरह फ्री मूवी डाउनलोड की वेबसाइट पे जाता हूँ तो मुझे आइडिया है कि मुझे इसने 10-15 पेजेस तक घुमाना है, यार डाउनलोड करने के लिए अब यहाँ क्लिक करेंगे नया पेज आ जाएगा, वहाँ पे वो टाइमर चल रहा होगा 5 सेकंड वेट करें, वो क्यों चल रहा होता है, वो इसीलिए कि आपको वो बाउंड कर देता है कि आप 5 सेकंड वो वेट करो इस पेज पे ताकि एड ठीक तरीके से लोड हो जाए और उनके ऊपर इंप्रेशन बने और उनके पैसे बन जाए, ठीक है। तो ये उनका स्ट्रक्चर है, आपको अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, यार कस्टमर मेन पेज के ऊपर आ रहा है, मेन पेज से वो कैटेगरी पेज के ऊपर जा रहा है, कैटेगरी पेज से वो प्रोडक्ट पेज के ऊपर जा रहा है, प्रोडक्ट पेज से वो उस प्रोडक्ट को बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके चेकआउट पेज के ऊपर जा रहा है। तो ये एक सिंपल ई कॉमर्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप इसको कितना ईजी करते हो और कितना मुश्किल करते हो कि वो पहले कैटेगरी पेज के ऊपर जाए, फिर कैटेगरी से सब कैटेगरी, फिर उससे अगली कैटेगरी, फिर उससे अगली कैटेगरी, फिर वो घूम के तीसरी कैटेगरी में आए, फिर वहां पे उसको कहीं प्रोडक्ट नजर आए और फिर बाय नाउ करने के लिए ऊपर 15-20 पेजेस और खोले और वो वहां से बाय करे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपने प्लान करना है और उसको आपने वर्क करना है। और फिर यहाँ पे एसईओ टूल्स, आप कौन से एसईओ टूल्स यूटिलाइज कर रहे हो,
अब किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, शॉपिफाई के ऊपर हो, वर्डप्रेस हो, मजेंटो हो, सब के ऊपर एसईओ टूल्स आपको मिलते हैं जिनके थ्रू ये बैकएंड के सारे एसईओ के काम हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद एसईओ काम कैसे करता है? तो बेसिकली जो एसईओ की जो वर्किंग है वो चार डिफरेंट सेगमेंट्स में हो रही है। पहली चीज इसमें आ जाती है कि आपके अपनी जो कीवर्ड्स की रिसर्च है, आप किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हो, किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना चाहते हो, किन कीवर्ड्स से आपको ट्रैफिक चाहिए, ऑडियंस चाहिए। लेट्स सपोज कि आप पाकिस्तान में आईफोन बेच रहे हो, तो कोई भी आईफोन या बाय आईफोन इन पाकिस्तान या आईफोन इन पाकिस्तान लिखे तो आपकी वेबसाइट नजर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आईफोन इन पाकिस्तान या बाय आईफोन इन पाकिस्तान, ये आपका रेलिवेंट कीवर्ड है, ये आपने रिसर्च करके निकाल लिया। आप इसी कीवर्ड के ऊपर आपकी वर्किंग शुरू हो जाएगी, ऑन पेज एसईओ के ऊपर आप आ जाओगे। ऑन पेज एसईओ क्या होता है कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट पेज है उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में ये वर्ड लिखा होना चाहिए कि आप आईफोन कंटेंट के अंदर, क्योंकि गूगल सबसे पहले कंटेंट को रीड करता है। ठीक है, कि वहां पे लिखा हो कि यार आप आईफोन बेचने वाले हो और आप आईफोन बेच रहे हो या आपके उस पे ये अवेलेबल है, तो सबसे पहले ये कंटेंट में उस पेज के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, आप दराज खोलो, दराज में किसी भी एक प्रोडक्ट को खोलो, उस प्रोडक्ट का जो नाम है वो उस पेज पे कम से कम आपको 10 दफा नजर आएगा। सबसे पहले उस प्रोडक्ट का नाम जो कि सबसे प्रोमिनेंट आपको बड़ा बड़ा नजर आ रहा है, फिर उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां पे वो सेम नाम लिखा होगा। ठीक है, लेट्स सपोज कोई शैम्पू है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका नाम के जी एक्स वाई जी शैम्पू, फिर इसके डिस्क्रिप्शन में आओगे जी दिस एक्स वाई जी शैम्पू इज ऑर्गेनिक या केमिकल या कुछ भी और नाम होगा, दिस एक्स वाई जी शैम्पू हेल्प यू टू क्योर योर हेयर, दिस एक्स वाई जी शैम्पू ब्रिंग शाइन इन योर हेयर, दिस एक्स वाई जी शैम्पू विल मेक योर हेयर सॉफ्टर और शाइनी और इस तरह के। तो हर सेंटेंस के एंड में या शुरू में उस एक्स वाई जी शैम्पू का नाम ऐड होगा। ठीक है, तो ये ऑन पेज ऐसी होगी। फिर आपके लिंक बिल्डिंग वाला काम हो गया। लिंक बिल्डिंग में छोटी सी मुझे एक तस्वीर मिली थी, अच्छी बड़ी मजे की तस्वीर, तो यहाँ पे आपको आइडिया होगा कि नंबर 6 जो है सबसे लास्ट वाला, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट नेम होता है। ठीक है, जिसको सिलेक्ट कहते हैं, यहाँ पे आपका वो प्रोडक्ट नेम होना चाहिए, एक्स वाई जी शैम्पू का नाम यहाँ पे आना चाहिए। उससे पहले सब टॉपिक जो आपको नजर आ रहा है नंबर 5 के ऊपर, सब फोल्डर बेसिकली, तो ये उस कैटेगरी का नाम होगा। ठीक है, ओके, वन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका प्रोटोकॉल आ जाता है, आपकी वेबसाइट HTTP में है या HTTPS में है। S का जहाँ पे वर्ड लिखा होता है HTTP के साथ, S means secure। ठीक है, कि ये वेबसाइट के ऊपर SSL सर्टिफिकेट लगा हुआ है और ये वेबसाइट सिक्योर है। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है? ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ये मस्ट है, जरूरी है। ठीक है, कि आप अक्सर वेबसाइट खोलते हो तो आपके सामने नीला रंग का पेज आ जाता है और जिसपे वार्निंग लिखी होती है। ठीक है, उसके आप जाके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना तो सामने HTTP आपको नजर आएगा लिखा हुआ। ठीक है, नॉर्मली जो प्रोटोकॉल है ये हाइड होता है, आपको लिंक के ऊपर उस जहाँ पे एड्रेस बार के ऊपर जाके क्लिक करोगे तो आपको ये HTTP और HTTPS नजर आएगा। ठीक है, जहाँ पे S होगा इसका मतलब है सिक्योर, और ये सिक्योरिटी किस लिए होती है कि आपकी जो वेबसाइट के ऊपर कंटेंट है, खास तौर पे कस्टमर्स का, जो मैं चेकआउट कर रहा हूँ तो अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर, कार्ड नंबर, पेपॉल का लिंक कर दिया, सेव कर दिया, तो वो इनक्रिप्ट हो जाता है, वो सेव हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, तो इसलिए SSL सर्टिफिकेट यहाँ पे यूटिलाइज होता है। तो आपकी वेबसाइट के पूरा जो डेटा है, खास तौर पे जो कस्टमर का इनपुट होता है उसको इनक्रिप्ट करता है, कि बीच में से कोई तार तोड़ के आपका डेटा लीक ना करे। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे होता है वो सब डोमेन होती है, जैसे यहाँ पे ब्लॉग डॉट वो चल रहा है, तो ये सब डोमेन है, ये कहीं भी यूज होती है, कहीं पे नहीं यूज होती। तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी मेन डोमेन, जो कि आपकी वेबसाइट का नाम है। उसके बाद डॉट कॉम, डॉट पीके, डॉट टीके, जो भी है वो आपका TLD टॉप लेवल डोमेन आ जाता है। उसके बाद आगे आपका सब फोल्डर आ जाता है, फिर आपका एंडिंग नंबर 6 लैग आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर 5 है वो है आपका कैटेगरी, तो इसको हम 1, 2, 3 में कैसे लेके चलते हैं। नंबर 1 पे आपका HTTP आ गया प्रोटोकॉल, नंबर 2 पे सब डोमेन ऑप्शनल है, आप किसी पेज का बनाना चाहते हो बनाओ, नहीं बनाना चाहते ना बनाओ। ठीक है, नंबर 3 पे आपका डोमेन xyz.com में जो था वो 4th नंबर पे आ गया। उसके बाद आपका कैटेगरी पेज आ गया, कि लेट्स सपोज मैं दराज डॉट पीके के ऊपर लैंड किया, HTTP में था, नंबर 1 आ गया,
सब डोमेन में नहीं गया, डायरेक्टली दराज के डोमेन के ऊपर लैंड किया, नंबर 3 आ गया, डॉट पी के नंबर 4 आ गया। फिर मैंने सेलेक्ट किया मुझे शूज की कैटेगरी में जाना, ठीक है, तो स्लैश शूज, ये उसकी सब फोल्डर्स आ गए और सब कैटेगरीज आ गई। देन मैं किसी और कैटेगरी में जाऊंगा शूज में, मैं मेन शूज के अंदर गया तो आगे नंबर 6 पे उसने सब कैटेगरी या सब फोल्डर का सब फोल्डर ओपन कर दिया। फिर मैं मेन शूज में ब्लैक मेन शूज का एक पेज था, उसमें ऑप्शन थी ब्लैक व्हाइट ब्लू, तो मैं ब्लैक में गया तो उसने नंबर 7 के ऊपर एक और सब डोमेन सॉरी सब फोल्डर खोल दिया, ठीक है, जो कि पहला था आपका मेन डोमेन, सेकेंड आपका आ गया सब फोल्डर, तीसरा आ गया सब फोल्डर का सब फोल्डर, चौथा आ गया सब फोल्डर के सब फोल्डर का सब फोल्डर, और लास्ट मैंने खोला यार मुझे ये वाला आर्टिकल चाहिए, ये वाला जूता खरीदना है, जो लास्ट शूज वाला पेज होगा ना जिसमें मैंने क्लिक करना है बाय के लिए, लास्ट पेज उस वेबसाइट का चेकआउट से पहले, वो आपका होगा स्लैग, और वो जो नाम है ना उसका, जहाँ पे यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट लिखे हुए थे, यहाँ पे उस शूज का नाम होना चाहिए जो कि आपकी प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। लोग ज्यादातर प्रोडक्ट नेम को सर्च करते हैं, किसी को शूज खरीदने हैं तो वो ये नहीं लिखेगा ओपन शूज कैटेगरी, वो शूज लिखेगा यार वाइट शूज, ब्लैक शूज, तस्मे वाले वगैरह तस्मे वाले, वो डायरेक्टली जाके वो लिखता है। तो कस्टमर सर्च क्या करते हैं, नंबर 6 को। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पूरे लिंक बिल्डिंग में आपके पास क्या आएगी, आपके पास ये नंबर 6 वाला पार्ट होगा। और टेक्निकल एसईओ में जो टेक्निकल चीजें होती हैं, लाइक आपका जो इंडेक्स पेज है, आपका जो साइड मैप है, आपके लिंक जो होता है लिंकिंग वाला जो काम होता है, जो कि एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हो, कैटेगरी से दूसरी कैटेगरीज में जा रहे हो, तो यहाँ पे कहाँ पे ब्रेकेज जा रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी टेक्निकल उसमें आ जाती है। ओके, एसईओ को ट्रैक कैसे कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स सबसे बेहतरीन टूल है आपकी तमाम वेबसाइट के डेटा को, ऑडियंस को, ट्रैफिक को ट्रैक करने का। मेरा एक बहुत डिटेल्ड सेशन, एक सीरीज है मेरे चैनल के ऊपर, आपको बहुत इजीली मिल जाएगी एनालिटिक्स के ऊपर, उसको जाके ओवरव्यू कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपको एनालिटिक्स से क्या क्या चीजें मिल सकती हैं और वो क्या क्या काम आ सकता है आपकी वेबसाइट की ट्रैकिंग में। तो एसईओ की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे चैनल्स के अंदर जाके डिटेल्स मिलती है, कितनी ट्रैफिक आ रही है, किस पेज के ऊपर आ रही है, उसका सोर्स क्या है, ठीक है। जैसे इस इमेज आपको नजर आएगा कि ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पे शो हो रही है, कि आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी मिल रही है। फिर गूगल के अपने टूल्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि कौन से कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, उनका वॉल्यूम क्या है, उसके ऊपर मंथली ट्रैफिक कितनी आती है, और आप किस पोजीशन के ऊपर हो उस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एसईओ टिप्स का एक कीवर्ड है, जहाँ से स्क्रीनशॉट लिया, वहाँ वो वेबसाइट नंबर 1 के ऊपर है, इसके अंदर इसका वॉल्यूम तकरीबन 4200 का है, और इसकी जो ट्रैफिक है वो 1000 से ज्यादा लोग इसको सर्च करते हैं। और कुछ एसईओ के टूल्स हैं, ये तमाम के तमाम टूल्स आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूंगा, ठीक है। ये आपको ठीक से नजर नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे कीवर्ड सर्च का टूल है गूगल का, अपना कीवर्ड प्लानर है, वहां से जाके आप सर्च कर सकते हो। फिर फाइंड यूनिक कीवर्ड्स आइडियाज, आपको यहाँ से आइडियाज डिफरेंट मिलेंगे, कौन से कीवर्ड का कितना वॉल्यूम है, कितना ट्रैफिक है, कौन सा कीवर्ड अच्छा है, कौन सा गुड कीवर्ड है, बैड कीवर्ड है, वो सारी डिटेल मिल जाएगी। कीवर्ड जनरेटर के नाम से एक टूल है जो कि आपको आइडियाज देते हैं, आप लिखते हैं शूज तो आपको थाउजेंड ऑफ आइडियाज दे देगा कीवर्ड शूज से रिलेवेंट कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद SERP चेकर के नाम से एक टूल है जो कि आपको बताता है कि आपके पोटेंशियल कीवर्ड्स कौन से हो सकते हैं, आपकी सर्च की जो ट्रैफिक है वो किन कीवर्ड्स से ज़्यादा जनरेट हो सकती है। फिर कीवर्ड डिफिकल्टी चेकर है कि कौन से कीवर्ड्स का स्कोर और उस टाइप की चीज़ें। ऑन पेज SEO टूल्स में आपको वॉस का एक टूल है, इसके अलावा बेतहाशा टूल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी लंबी लाइन लिस्ट है, तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से जाके इनको देख सकते हो, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था, जो बेसिक लेवल की और SEO का एक ओवरव्यू था। उम्मीद है आप इससे कुछ सीखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, बेसिकली सारा समझने वाला पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट सेशन हमारा थोड़ा सा हम फेसबुक को टच करेंगे, फेसबुक के मार्केटिंग और एड्स, और फिर उसमें ग्राफिक्स होते हुए हम अपने एक्चुअल मार्केटिंग के ऊपर आएंगे,
कि हमने क्लाइंट्स को किस तरीके कार से अप्रोच करना है, किस तरीके कार से उनको एंगेज करना है, ठीक है। तो उससे पहले उस एंगेजमेंट से या उस क्लाइंटेज को बिल्ड करने से या उनके लीड्स हासिल करने से पहले इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। हमें नहीं पता हमें SEO का क्लाइंट मिलेगा, हमें फेसबुक का क्लाइंट मिलेगा, हमें इंस्टाग्राम का क्लाइंट मिलेगा, तो हमें ये डिफरेंट मिल सकते हैं या मिक्स भी मिल सकते हैं। बंदा कहता है मुझे वेब डेवलपमेंट भी करानी है, ग्राफिक्स भी करानी है, SEO भी करानी है। गोरा एक आपको अगर प्रोजेक्ट देगा ना तो उसमें को 10 दफ़ा उसने SEO की बात आपसे करनी है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपका फेसबुक इंस्टाग्राम और बाकी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक सेशन, दो दो सेशन में तमाम चीज़ों को टच करेंगे। और फेसबुक हो गया आपका, गूगल एनालिटिक्स हो गया, इसके बहुत डिटेल्ड सेशन ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हो। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी, उसमें हम फेसबुक मार्केटिंग और बिजनेस अकाउंट और उन सब चीज़ों को थोड़ा सा टच करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।